शुरू। तो सबसे पहला फ्रेम आता है, डार्क फ्रेम है ये, ब्लैक लार्ज स्क्वायर शेप फ्रेम है देखो, और ये प्लास्टिक का फ्रेम है और आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, आप इसको ऑफिस वेयर की तरह भी वेयर कर सकते हो। तो आपको मैं ये वेयर करके दिखाता हूँ और देखो बताओ मुझे कैसा लग रहा है। ये फ्रेम ऐसा है और इस पे अभी स्टिकर भी लगा हुआ, पूरे ब्रांड न्यू स्पेक्स थे जो मैं लेके आया हूँ। ये फ्रेम है ट्रेंडी फ्रेम, ये फ्रेम मैंने अपने भाई को भी सजेस्ट किया, उसका ऑफिस का काम होता था, मैंने बोला ये थोड़ा पार्टी वेयर भी चल जाएगा, अगर तुझे घर पे पहनना है ऑफिस वेयर पहनना है तो वो भी वेयर कर सकता है। इसका मुझे एक चीज थोड़ा रिस्की सा लग रहा है, अगर मैं स्पेक्स के ऊपर बैठ जाऊँ और ये प्लास्टिक है और ये ऐसे टूट जाएगा पता भी नहीं लगेगा। और ये नहीं आपको स्पेक्स के ऊपर जाके बैठ जाना, ऐसा नहीं होता, गलती से इंसान बैठ जाता है स्पेक्स के ऊपर तो डर होता है कि टूट ना जाए। तो ये प्लास्टिक फ्रेम है आप देख ही रहोगे और बढ़िया, और इसकी शेप मुझे यार अच्छी लगी है, हाफ स्क्वायर सा फ्रेम है पर मुझे बढ़िया फ्रेम लगा यार ये। अब जो फ्रेम मैंने आपको ब्लैक में दिखाया था उसका दूसरा कलर दिखाता हूँ। तो अब ये फ्रेम आ गया हमारा ट्रांसपेरेंट व्हाइट लार्ज स्क्वायर शेप, जो ब्लैक कलर में था उसका दूसरा ट्रांसपेरेंट कलर आ गया और ये इतना ट्रेंड में चल रहा है, मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई आपने ट्रांसपेरेंट ग्लासेस कहाँ से लिए, तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा मैंने ये कहाँ से परचेज किया, आप ये भी परचेज कर सकते हो। और सच में यार इसकी जो ये शेप है ना मस्त लगती है और ट्रांसपेरेंट के साथ तो बढ़िया लगती है। और देखो इसके गोल्डन आप देख रहे होंगे स्टिक्स, इसकी गोल्डन है। तो आपको ट्रांसपेरेंट फ्रेम में अब वेयर करके बताता हूँ, ये मैंने पहना, अब ये फ्रेम है जो मैं बोल रहा हूँ, ये आप भी ले सकते हो अगर लेना चाहो। अब मैं आपको कुछ मेटल फ्रेम्स दिखाता हूँ। अब ये मेटल लार्ज थिन स्क्वायर फ्रेम है, बड़ा लाइट वेट है, आप इसको भी ऑफिस वेयर भी वेयर कर सकते हो, मुझे ऑफिस के लिए अच्छा लग रहा है, फॉर्मल्स के साथ ये बहुत बढ़िया लगेगा। तो बताओ ये कैसा लग रहा है, आप इसको ऑफिस वेयर भी वेयर कर सकते हो, अगर कहीं पार्टी है तो वहां भी वेयर कर लेना, और बड़ा लाइट वेट है यार, पता भी नहीं लग रहा मैंने फ्रेम को ही वेयर किया हुआ है। और सबको ना प्लास्टिक वेयर करने का नहीं मन करता, तो आप ये मेटल है तो आप ये लाइट वेट भी आप ये भी वेयर कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है। अब ये वाला फ्रेम मुझे लगता है ज्यादातर सबको पता होगा, ये मेटल एविएटर्स है और ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। जब मैं स्कूल में होता था भाई, मेरा भी ये पहला ऑप्शन होता था कि यार यही लेना है मुझे, और हर स्पेक्स की शॉप में ये अभी भी अवेलेबल है और हमेशा ट्रेंड में रहता है। मेटल फ्रेम्स ना कभी कभी लाइट वेट भी होते हैं और ज्यादा हैवी भी होते हैं, मगर ये वाले जो फ्रेम है ना ये बड़े लाइट वेट लग रहे हैं, और ये मैंने वेयर किया तो मुझे पता भी नहीं लग रहा कि मैंने कुछ वेयर किया है नहीं किया, इतने लाइट वेट है। आप इन्हें एक अच्छा ऑप्शन रख सकते हो स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाते हो, ये बढ़िया एक अच्छा ऑप्शन है। और मेरे जो फ्रेंड टर्बन वेयर करते हैं ना वो भी ये वाली स्पेक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं वेयर करने के लिए, क्योंकि ना टर्बन में आराम से फिट हो जाती है। तो यार ये फ्रेम की बात की जाए, ये है मेटल हेक्सागन, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो